हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉलेंस के बड़े बाप यानी कि द मोस्ट वॉलेंट मैन सलार के बारे में। अब कल क्या है, बहुत सारा मैसेज आया। कल हम अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना पाए, कल ही हम बनाने वाले थे, लेकिन कल बहुत सारे मैसेज आया कि यार 17 तारीख से शूटिंग शुरू होने वाला है सलार का। आज 17 तारीख है, अपडेट क्यों नहीं दिए, शूटिंग शुरू हुआ कि नहीं हुआ। देखो, हम आपको बोल के गए थे पिछले वीडियो में कि जब शूटिंग का एग्जैक्ट डेट पता चलेगा हम आपको आके बता देंगे, और कल हम नहीं बताए, इसका मतलब शूटिंग नहीं शुरू हुआ है। अभी सलार का शूटिंग नहीं शुरू हुआ है, 17 से नहीं हो पाया, वो एक वीक के बाद होगा, यानी 24 से टेंटेटिव है। लेकिन ये भी नहीं है कि हाँ 24 को एकदम शुरू हो जाएगा, एक दो दिन ऊपर नीचे पकड़ लो क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लेकिन 24 से यानी कि लास्ट वीक ऑफ मई में शूटिंग इसका फाइनली जाके शुरू होने वाला है, नया शेड्यूल। लेकिन कल शूटिंग तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन कल कुछ और शुरू हो चुका है। दैट इज सलार द सागा। द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ सलार, इंस्टाग्राम, सारा कुछ हैंडल जो है ऑफिशियल, उसको लॉन्च कर दिया गया कल। और उसके बाद तो बवाली मच गया सोशल मीडिया पे, हर जगह तहलका ही तहलका। सिर्फ और सिर्फ एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अब आ चुका है ऑफिशियल अकाउंट, अब कुछ अपडेट आएगा। और अब अपडेट आने वाले, डेफिनेटली अकाउंट आ गया है, अब अपडेट भी आने वाले हैं, बस वेट करो, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को। अब सलार द सागा जो नाम है, उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठने लगे कि यार दो पार्ट में। हम आपको पहले भी बोले थे ना कि प्रशांत नील ने बोल तो दिया है कि अभी मेरे दिमाग में भी नहीं गया है कि सलार दो पार्ट्स में आएगी, लेकिन हमको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, मतलब अंदर से गट फीलिंग मेरा यही बोलता है कि सलार दो पार्ट्स में आएगी, अभी भी यही बोलता है। अब सलार द सागा जब नाम आया तो उसके बाद से यही लगा कि यार पहला पार्ट का सलार द सागा नाम हो जाएगा, सेकंड का कुछ और हो जाएगा। तो उस तरह से हो सकता है अभी भी, क्योंकि प्रशांत ने तो वैसे ये भी बोला था कि केजीएफ की कहानी जो है चैप्टर 2 में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब केजीएफ चैप्टर 3 आ रही है। तो उसी तरह से सलार के साथ भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ वैसा आ जाए। अब जहां तक शूटिंग का बात है, आपको बता दिया कि 24 से शुरू होने वाला है। और अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा टीजर का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल है ना, सबसे ज्यादा आदमी यही जानना चाहता है कि भाई टीजर का क्या, कब आएगा, कब से वेट कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कैसे पता चलेगा कि कब आएगा। तो देखो, टीजर का जो बात है, जैसे शूटिंग शुरू होगा आपको टीजर का अनाउंसमेंट हो जाएगा, पहले एक पोस्टर आएगा धमाकेदार, और उसके बाद फिर टीजर भी आएगा। यही अभी तक अपडेट निकल के आ रहा है जो हम आपको बता दे रहे हैं। सो इसमें हो सकता है मई एंड आए, या फिर हो सकता है खिसक के जून का फर्स्ट वीक भी हो सकता है, ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है, कि हो सकता है उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि मई खत्म हो गया तो अब नहीं आएगा, ये शेड्यूल जो चल रहा है उसी बीच में आएगा। और इसी बीच में प्रोजेक्ट के का जो अपडेट है वो भी आपको दिए थे पिछले वीडियो में, जब उनके जो हेड ड्रेसर हैं संजय, उन्होंने अपना अपडेट में बताया था कि जो प्रोजेक्ट के का शूटिंग है वो खत्म हो गया, प्रभास का जो शेड्यूल है वो खत्म हो गया, पूरा शेड्यूल ये बड़ा रैपअप हो चुका है। और कल ही जो नागाश्विन है उन्होंने एक ट्वीट के रिप्लाई में ये भी बता दिया था कि हाँ नया शेड्यूल जो है वो जून के एंड में शुरू होगा, और अभी हमसे अपडेट मत मांगो यार, मतलब हम लोग सबसे लास्ट हैं इस फिल्म्स में, जो भी प्रभास की फिल्में आ रही है हम लोग का नंबर सबसे लास्ट में आने वाले, तो अभी रेगुलर अपडेट्स कहाँ से देंगे। तो थोड़ा सा वेट करो, और जून के एंड में प्रभास का नया शेड्यूल शुरू होगा। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि सलार के लिए प्रभास थोड़ा सा वेट लॉस कर रहे हैं और एक जबरदस्त लुक में दिखेंगे, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग अवतार में तो दिखने ही वाले हैं। और सलार जिस समय आएगा उस समय क्या होगा, खैर बात करेंगे जब टीजर उजर आएगा, जब इसका हम लोग को ग्लिम्स मिलेगा, जब झलक मिलेगा ना, उस समय अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जान लो, शूटिंग कब से शुरू होने वाली और टीजर कब तक आ सकता है, एंड सलार द सागा क्या बताता है। और फॉलो किया कि नहीं तो सलार द सागा को जरूर जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि 24 घंटे के आसपास हो रहे हैं अभी, और ऑलरेडी मतलब 50,000 ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, 50,000 के आसपास। सो इट हैज टेकन द इंटरनेट लिटरली बाय स्टॉर्म। कितना एक्साइटेड हो द मोस्ट वॉलेंट मैन की एक झलक देखने के लिए जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आया तो दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि अपडेट्स नहीं आ रहे, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का, तो आप एक बार अनसब्सक्राइब करके वापस से सब्सक्राइब कर लेना और फिर से बेल आइकन दबा देना, शायद इससे आपको अपडेट जो है मतलब नोटिफिकेशन जो है रेगुलर आने लगेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे देना, अभी कर दो, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।